जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इंडियन सोसाइटी के बारे में सोसाइटी क्या है इलाज में भी पढ़ा है और अब भी पढ़ा है। सोसाइटी के बारे में समझ लेकिन सोसाइटी बनती कैसे जी में एक सोसाइटी और सोसाइटी में और मैंने बताया है इलाज में भी सर इलाज में जैसे लोग अभी कल ही बताया मैंने है ना। लेकिन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है? डेमोग्राफिक दो अलग शब्द है। डेमोग्राफिक डेमो और ग्राफिक दो अलग शब्द। डेमो मतलब पीपल जो ह्यूमन बींग्स लोग हैं वो डेमो और ग्राफिक मतलब डिस्क्राइब करना। इसे डिस्क्राइब करना मतलब उसे पूरा एक्सप्लेन करना ठीक है। जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है इंडियन सोसाइटी में जो मैथ्यूज नाम के मैथ्यूज हैं मैथ्यूज की स्टडी थी उनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी और डेफिनेटली ग्रोथ करेगी जो इक्वल हो रहा है डेफिनेट भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है मतलब बर्थ रेट भी बढ़ रहा है ठीक है। हंसने के लिए बोला गया अगर हंसना है तो क्लास से बच रहे दोनों को बोल रहा हूँ कॉमन कॉन्सेप्ट्स एंड इंडिकेटर्स मोस्ट डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड as they show ratios they involve two numbers one of these numbers is the population statistic that has been calculated for a specific geographical administrative unit the other number provides a standard for comparison ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ बर्थ और टोटल नंबर ऑफ डेथ दोनों ही हमारा इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। मतलब अगर बर्थ रेट बढ़ रही है तो वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और जहाँ डेथ रेट घट रही है डेथ रेट बढ़ रही है तो वहाँ पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो दोनों एक पर ही हो रहा है। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारी पॉपुलेशन के रूप में। चाइना के बाद इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है ठीक है। ये पूरा टेबल है आप लोगों का ये टेबल आप लोग बनाएंगे अपनी नोटबुक में पेज नंबर 17 है ठीक है। बर्थ एंड डेथ रेट का टेबल है ये आप लोग बनाएंगे। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन ग्लोब क्या है? ग्लोबलाइजेशन पूरी दुनिया एक ग्लोब में आती है इसके बाद ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड ही हो गया ना सर। ये भी बनाएंगे आप लोग मैप नहीं मैप नहीं ये चार्ट पाई चार्ट सर्कल वाला ए नंबर 21 ये ए स्ट्रक्चर भी बनाएंगे आप लोग ये भी इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 22 बुक है ना पेज नंबर बुक है कॉपी है हाँ कॉपी कहाँ लिखी थी जेंडर रेशियो ठीक है। इसमें जेंडर का रेशियो जैसे मेल हो गए फीमेल हो गए इनके रेशियो भी
लिटरेसी। बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो एक टाइम ऐसा था जब पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, धीरे धीरे उसमें लिटरेसी भी बढ़ी है लोगों में, जनरल से एजुकेशन बढ़ेगी, वैसे ऐसे लोग जो है जेंडर रेशोस को भी अपने हिसाब से देखेंगे, क्योंकि पहले लोग जेंडर में बहुत भेदभाव करते थे, है ना। तो जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे लोग भेदभाव करना भी बंद होता चला जा रहा है, जैसे जैसे एजुकेटेड लोग आ रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन भी अपने नॉर्मल स्टेज पे आ रही है क्योंकि लोग भी एजुकेटेड हो रहे हैं, इससे पॉपुलेशन भी अपनी नॉर्मल स्टेज पे आ रही है। फिर बात करते हैं रूरल और अर्बन की। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रूरल एरिया से पहले है ना, पॉपुलेशन की मेजोरिटी वहां पे ज्यादा थी रूरल एरिया। इसमें आपका चार्ट दिया गया है रूरल और अर्बन एरिया का 1901 से लेकर के 2011 तक, ठीक है। तो ये भी बना लेंगे। फिर आता है मास मीडिया कम्युनिकेशन चैनल। मास मीडिया पे तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बनेगा एक, वो भी बनाना अपना, ठीक है। लास्ट ईयर शायद मैंने बनाया था, आप बनाया ना, तो वैसे एक प्रोजेक्ट बनेगा मास मीडिया पे, मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। जो हमारी मीडिया है न्यूज पेपर हो गए, न्यूज चैनल हो गए, ये सब कुछ मास मीडिया के अंदर आता है, ठीक है। इनके जरिए भी हम लोगों को काफी सारी नॉलेज मिल जाती है सोशली। आगे देखो बुक नहीं जाते, बुक नहीं है तो बुक नहीं जाते। इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन इन दिस चैप्टर दैट पॉपुलेशन डायनामिक्स इज अ important matter and that it crucially affects the developmental prospects of a nation as well as the health and as well as the well-being of its people. ठीक है, this is particularly true of developing countries who have to face special challenges this regard. इसके regard जो हमारा नेशन है हम ये पूरा वो कर चुके हैं, क्या कहते हैं ऐसे डिस्कस कर चुके हैं पॉपुलेशन निकाला पूरी, मतलब पूरे चैप्टर में डिस्कशन हमने किया है। तो इसका पूरा निचोड़ ये निकला है कि सबसे पहले तो हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, फिर अपनी एजुकेशन का ख्याल रखना है, जिससे अगर हम लोग एजुकेटेड होंगे, हमारी कंट्री में सब लोग एजुकेटेड होंगे तो हर चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। इसके क्वेश्चन आंसर तो आपको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने ध्यान रखा या जो भेजे थे पीडीएफ भेजी थी उसने उसने निकाल लिया होगा।